हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू हेड गर्ल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये लुक जो मैंने यहाँ क्रिएट किया है। ये एक ईद मेकअप लुक नंबर 2 है। पहला जो मैंने क्रिएट किया था वो गोल्डन एंड ब्राउन कलर का था, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका लिंक। एंड ये जो मैंने किया है उसका जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आई नो ये वीडियो बहुत ही लास्ट मोमेंट है, बट क्या करें, मैंने भी लास्ट मोमेंट डिसाइड किया था कि मैं एक और लुक करती हूँ क्योंकि वो एक ही सिर्फ सिंगल लुक था। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल के नेम के बगल में करेक्ट लगा सब्सक्राइब बटन उसे हिट कर दीजिएगा, उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन है इसे भी हिट कर दे ताकि आपको मेरे आगे सभी वीडियोज़ के बैंक नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर ऑल्सो मैं इंस्टाग्राम पर भी बहुत जल्दी कुछ एक सीरीज टाइप का सोच रही हूँ करने का। मैंने कुछ वीडियो फिल्म किए हैं, अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं और आगे भी करूँगी। तो प्लीज़ मेक श्योर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, हैंडल में लिंक डाल दूँगी या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ डू चेक एंड डू फॉलो मी देयर ऑल्सो। तो को बिना लंबा करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं आईब्रोज फिल करने वाली हूँ, तो इस बार मैं यूज़ करूँगी मेरा मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल। अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एक तो पहला बात बहुत सस्ते में मिल जाता है, दूसरा है कि आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर आप बिगिनर है तो आप आई विल सजेस्ट कि आप पेंसिल से पहले शुरू करिए। आईब्रोज फिल करने के बाद आप चाहे तो इस तरह से जो इसमें कोम जैसा अटैच है उसके साथ आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पूलिया तो आप उससे कर सकते हैं, मैं आपको इसी से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको एक स्पूली की अगर ज़रूरत, मतलब अगर आप नहीं भी खरीदते तो आप इसके साथ कैसे कर सकते। तो आपके जिस डायरेक्शन में आईब्रोज ग्रोथ कर रहा है आप उसी डायरेक्शन में अपने हेयर्स को कोम आउट करेगा। ये जो एक्स्ट्रा बाहर अगर निकल जाएगा उसे हम बाद में कंसीलर से ठीक करेंगे। कॉम्ब आउट करने से क्या होता है, आप जितने भी आपके आईब्रो प्रोडक्ट्स जो है आप उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें। लाइक नेक्स्ट आते हैं कंसीलर के ऊपर। तो कंसीलर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ NY बेक का लिक्विड कंसीलर एंड मैं इसका ढक्कन टूट चुका है मेरे से। पाउडर करेंगे तो पाउडर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा मी नाओ का लूज पाउडर। लगाने से पहले अगर मेरा कुछ भी अगर क्रीज हुआ है तो मैं उसे हाथ से अपने ब्लेंड कर लूँगी एंड देन पाउडर लगाऊंगी, क्योंकि आप नहीं चाहते कि जो भी आपका क्रीज हुआ है वो आप सेट करो। इसके लिए मैं आज यूज़ करूँगी मेरा मार्स का पैलेट। पहले मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, ये जो पिंकिश मॉवी पिंकिश टाइप का शेड है, एंड इसे मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश पे ले रही हूँ। ये जो है थोड़ा पीचिश पिंकिश टाइप का लुक होने वाला है। ये भी बहुत सिंपल है क्योंकि अभी समर्स में कोई बाहर नहीं निकलने वाला। मैं अपने क्रीज में रखूँगी, सिर्फ क्रीज में, ना ऊपर जाऊँगी ना नीचे जाऊँगी। एंड वापस विंडशील्ड वाइपर मोशन से मैं इसे ब्लेंड करूँगी क्रीज में। मैं ये पिंक वाला शेड लेके एक ब्रश में, इस तरह के ब्रश में लेके मैं अपने ये जो कलर है मैंने प्लेस किया उसको ऊपर वाले के साथ ब्लेंड करूँगी। लाइक इस तरह से सर्कुलर मोशन में अंदर की ओर जाना है एंड देन सर्कुलर मोशन में फिर बाहर की ओर आना है। मैं अभी ये जो खाली आईलिड है इसके ऊपर मैं स्विस ब्यूटी का मेटालिक लिक्विड आई शेडो लगाऊंगी इन द शेड स्मोकी स्ट्रॉन्ग।
एंड फटाफट इसे ब्लेंड करूंगी क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। सिंस ये बहुत जल्दी ड्राई होता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा लगा के इसे ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती बहुत ज़्यादा पैची हो जाए या फिर ब्लेंड ना हो तो फिर पूरा आई लुक ख़राब हो जाएगा। मैं एक विंग लाइनर अप्लाई करूँगी अरेबिक वाला। मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ तो काजल के मैं यूज़ कर रही हूँ एलिटीन का काजल। ये कोई भी अरेबिक लुक जो होता है वो बिना काजल कंप्लीट नहीं होता, तो इसीलिए मैंने अपने वाटर लाइन और लैश लाइन को टाइट लाइन करूँगी। क्राइजन फॉल्सी लगा के वापस आ चुकी हूँ आते फेस मेकअप के ऊपर। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा पॉन्ड्स का बीबी क्रीम। पहले अपने पूरे फेस पे डॉट आउट करूंगी। नेक्स्ट कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर के लिए वही वापस NYB का यूज़ कर रही हूँ। देन यहाँ पे डॉट करूँगी, देन यहाँ पे डॉट करूँगी। नेक्स्ट अपने फेस को पूरा पाउडर करेंगे तो वापस में वही पाउडर यूज़ करने वाला जो मैंने आईलिड पे यूज़ किया था। साथ ही कॉन्टोर के ऊपर, तो कॉन्टोर के मैं वापस यूज़ करने वाली हूँ मैं मार्स का कॉन्टोर पैलेट। मैंने वापस लास्ट का ये दो शेड लेके ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा मीनाओ का चीक मेकर पैलेट। मैं ये वाला मेरा लीस्ट यूज शेड यूज़ करूँगी। साथ ही हाईलाइटर के लिए, तो हाईलाइटर में यूज़ करने वाली हूँ मेरा स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर, ये है शेड नंबर 02। एंड मैं सारे शेड्स को मिक्स करके हाईलाइट करूँगी। पहले अपने चीक बोन्स को हाईलाइट करना है। यू कैन सी कितना ब्लाइंडिंग हाईलाइटर है ऑफ द नोज पे, फोरहेड पे, नेक्स्ट इनर कॉर्नर पे। पर अपना आईलाइनर बचा के करना है, लाइक आईलाइनर के ऊपर और नीचे करना है।
मेकअप फिक्सर, मेकअप फिक्सर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर। बहुत तुरंत एक स्पिट्स कर लेते हैं। दैट वॉज द वीडियो गाइज। मैंने सोचा था कि एक हेयर स्टाइल वीडियो भी करूँगी, इसलिए मैंने बाल उसमें नहीं बनाए थे, बट आई केम अप विद दिस सिंपल हेयर स्टाइल। मैंने कुछ किया नहीं है, बस मैंने अपने बालों को मिड पार्टिंग किया एंड देन ट्विस्टीज करके, लाइक ऐसे ट्विस्ट करके अपने बालों को क्लिप लगा लिया एंड पीछे बाल खुले रखे हैं। अब चाहे तो बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हैं या तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। दैट वॉज द लुक गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल के नेम के बगल में क्रिएटिव सब्सक्राइब बटन, उसे हिट कर दीजिएगा। उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन है, उसे भी हिट कर दीजिएगा। आपको मेरे आगे में सभी वीडियोज़ के आए नोटिफिकेशन मिलते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, जैसे मैंने पहले बताया इंट्रो में कि मैं एक बहुत जल्दी एक ऐसा शेयर करने वाली हूँ, मैं सोच रही हूँ एक सीरीज़ करने का इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। हैंडल मैं ही डाल दूँगी एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। So please do check that out and thank you so much for watching. Till then, bye.